मेरे पापा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला दो, मेरे बेटे को बचा लो, कोई तो बेड दिला दो। ये आवाज इस वक्त देश के हर कोने से सुनाई दे रही है और इन आवाज को सुनकर हर कोई कांप उठता है और ये जो टीस उठती है अपनों को खोने की, इससे डर लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, यहां कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, जिन्हें मिल रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। बनारस, गोरखपुर, लखनऊ से लेकर राज्य के लगभग हर अस्पताल में बड़ी संख्या में वेंटिलेटर का संकट है और सिस्टम जानकर भी अनजान बना बैठा है। आज हम आपको प्रदेश के कुछ शहरों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले देखिए यहाँ कितने मामले सामने आए हैं। लखनऊ में 3,542, कानपुर में 1,357, वाराणसी में 1,610, मेरठ में 1,033, गोरखपुर में 737, वहीं झांसी में 715। सबसे पहले बात पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की होगी। वाराणसी में सड़कों पर दम तोड़ रहे मरीज। वाराणसी में हालात ये हैं कि सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए हैं। अब नए मरीजों को आसानी से बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में बेड के साथ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। लोग दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में यहाँ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या हर दिन 10 से 20 होती है, लेकिन इससे उलट शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लाशों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। घाट पर अंतिम संस्कार कराने के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार हो रही है। शहर के अंदर के कब्रिस्तान भी फुल हो चुके हैं। अब लोग शहरों के बाहर जाकर शवों को दफन कर रहे हैं। गोरखपुर में हर दिन अस्पताल के चौखट पर बेड न मिलने से मरीज दम तोड़ रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कुल 1,500 बेड है, जिनमें से रोजाना करीब 15 बेड खाली होते हैं, जबकि भर्ती होने वालों की लिस्ट लंबी होती है। इनमें से करीब 10% मरीजों को वेंटिलेटर वाले बेड की भी जरूरत होती है, लेकिन वो भी नहीं मिलते। सरकारी आंकड़ों में भले ही मरने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तानों में दिन रात अंतिम संस्कार चल रहे हैं। लखनऊ, 10 दिन में 1,500 से ज्यादा अंतिम संस्कार। राजधानी लखनऊ में भले ही नए मरीजों की संख्या कम होने लगी है, लेकिन अस्पतालों और शमशान घाटों का नजारा पहले की तरह बना हुआ है। यहां घाटों पर आज भी शवों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दिन रात अंतिम संस्कार हो रहा है। जब इसके वीडियो वायरल हुए तो सरकार ने घाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर ही रोक लगा दी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। कानपुर, 1 महीने बाद भी कतारें कम नहीं हुई हैं। कानपुर में हालात बेहद खराब हैं। यहां सुबह 7 बजे भैरवघाट शमशान घाट पर कोरोना संक्रमित सीआई त्रिपाठी का शव लेकर उनके बेटे अमितेश पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वो सुबह जल्दी आए, फिर भी लाइन लगानी पड़ी। वे लगभग 2 घंटे बाद अंतिम संस्कार कर पाए। उनके पिता का कोरोना से निधन हो गया था। सुबह कोई टोकन सिस्टम तो नहीं था, क्योंकि नगर निगम का कार्यालय 10 बजे के बाद ही खुलता है। घाट में शव लेकर पहुंचे लोगों ने खुद ही शवों की लाइनें तय कर दी। 10 बजे या उसके बाद आए कोरोना संक्रमित शवों को और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। शवों को 10 बजे के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को टोकन लेना होता है। हम लोग नीचे का पेंट करा लिया है, लकड़ियां सी आ रही हैं, लकड़ी से नीचे जलाई जा रही है। कुछ बुद्धू सागरे में लाइटिंग से भी जलाई जा रही है। काफ़ी करीब 90-120 तक पहुंचती थी यहाँ से। हम लोग उसका देखभाल हम लोग भी कर पकड़ कर नीचे ले जाते थे, सबको जलवाते थे नीचे। और हम लोग जो है पूरी सहयोग पूरी करते हैं नगर निगम के फैलायक हूँ मैं। इस समय हमारी ड्यूटी वहीं भैरव जी में लगाई गई है। शुरू से मैं देखते चला आ रहा हूँ। कितने बजे आप ड्यूटी पे चले जाते हैं? वहाँ 7 बजे मैं सुबह पहुँच जाता हूँ। कितने बजे तक रात में मिट्टी फूंकते हैं? इस समय तो हम 3:30 बजे तक वहाँ से हिलता हूँ, तो दूसरी ड्यूटी जब दूसरे की लग जाती है तब वहाँ से मैं निकल पाता हूँ। झांसी, हर घंटे एक की मौत हो रही है। झांसी में भी मौतों के आंकड़ों में हेर फेर का सरकारी सिस्टम जारी है। यहाँ हर दिन 5 से 8 लोगों की मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तानों में एक साथ इससे कई ज्यादा शव पहुंच रहे हैं। मतलब हर एक घंटे एक की मौत हो रही है। अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं बची है। नंदनपुरा और बड़ा गांव गेट के बाहर शमशान घाट पे तो रोज 22 से 30 शव पहुंच रहे हैं। यहाँ पर रात में भी अंतिम संस्कार लगातार किया जा रहा है। मेरठ,
कब्रिस्तानों में कम पड़ गई जुगाड़ या कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन ने शहर के मुख्य शमशान घाट, सूरजकुंड और कब्रिस्तानों को लेकर भी सख्ती कर दी है। यहां भीड़ नहीं जुटने दी जा रही है। एक शव के साथ सीमित लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। चिता जलाने के लिए जब प्लेटफॉर्म कम पड़ गए तो पार्किंग स्थल पर ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सूरजकुंड शमशान घाट के मुख्य पंडित का कहना है कि प्रत्येक दिन 50 से 55 शव आ रहे हैं, जिनमें कोरोना से मरने वाले 25 से 30 आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से यही स्थिति चली आ रही है। इसी तरह कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है, लोग शहर के बाहर शवों को दफन कर रहे हैं। 4-5 दिन से बराबर 30-25-30-40 कोरोना के भी बीमार आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं। ऐसी बीमारी जमीन पर भी हमें डालना पड़ रहा है। चिताएं कम पड़ गई हैं और जमीन पर डालना पड़ रहा है। अब आंकड़े हो गए 10 गुना बढ़ गए हैं इस समय। तो देखा आपने, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर है, लेकिन लगातार यहां पर कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। अभी तो कुछ ही इलाकों का हमने जिक्र किया है। जैसे जैसे आंकड़े हमारे पास आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन स्थिति भयावह है, डरावनी है। इसलिए घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह बाहर ना निकले, मास्क जरूर लगाएं, जो भी कोरोना की गाइडलाइंस है जरूर फॉलो करें। फिलहाल के लिए एट 9 में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।